ये छोटा सा उपाय दूर कर देगा पूरे परिवार का दुख दर्द। घर में जल्द बन जाएगा सुख शांति का वातावरण। हर व्यक्ति की कामना होती है कि उसके घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहे। घर का वातावरण स्वर्ग की तरह सकारात्मक ऊर्जा और प्रेम एवं एक दूसरे के सहयोग से भरा पूरा हो। वैसे भी शास्त्रों में और हमारे पूर्वजों ने घर को मंदिर की संज्ञा देते हुए कहा है कि जिस घर में परिवार के सभी लोग आपसी तालमेल से रहते हैं, उस घर में सदैव सुख शांति बनी रहती है, कभी किसी की बुरी नज़र नहीं लगती। लेकिन वहीं घर परिवार का वातावरण अनुकूल नहीं हो, तब वह प्रत्येक सदस्य के जीवन को प्रभावित करता है। अगर किसी के घर में किसी कारण से सुख शांति नहीं है, नीचे दिए गए छोटे लेकिन रामबाण घरेलू उपायों को आजमा कर आप हमेशा के लिए अपने घर में सुख शांति बनाए रख सकते हैं। 1, घर में सुबह सुबह कुछ देर के लिए भक्ति गीत भजन अवश्य करें या बजाएं। 2, घर में कभी भी झाड़ू को खड़ा करके नहीं रखें, उसे पैर नहीं लगाएं, ना ही उसके ऊपर से गुजरें, अन्यथा घर में अलक्ष्मी निवास करने लगेगी। 3, अपने सोने के बिस्तर पर बैठकर कभी भोजन ना करें, ऐसा करने से बुरे सपने आते हैं या फिर घर में दरिद्रता का वास होने लगता है। 4, घर के मुख्य द्वार पर या इधर उधर जूते चप्पल उल्टे सीधे करके नहीं रखने चाहिए, इससे घर में अशांति उत्पन्न होने लगती है। 5, अपने घर में पूजा पाठ हमेशा सुबह 6 से 8 बजे के बीच भूमि पर कुश का आसन बिछाकर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके रोज करें, ऐसा करने से सुख समृद्धि बनी रहेगी। 6, हमेशा घर में बनी हुई पहली रोटी गाय के लिए जरूर निकालें। 7, अपने घर के पूजा स्थल में सदैव जल से भरा एक कलश जरूर रखें। 8, पूजा में उपयोग होने वाली धूप आरती दीप हवन की अग्नि जैसे पवित्रता के प्रतीक साधनों को कभी भी अपने मुंह से फूंक मारकर नहीं बजाएं। 9, घर के मुख्य दरवाजे पर दाहिनी तरफ सिंदूर से स्वास्तिक का चिन्ह अवश्य बनाएं एवं सूर्यास्त के समय हर रोज घर के आंगन में लगे तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जरूर जलाया करें। इससे आपके घर में सदैव सुख शांति का वातावरण बना रहेगा। घर के सभी लोग भी मिलजुल कर रहते हैं। आर्थिक तंगी से छुटकारा पाने के लिए घर में जरूर रखें ये चीजें। वास्तु भवन निर्माण करने की कला है, जिसके माध्यम से घर में आने वाली विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं। वास्तु प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण और उपयोगी शास्त्र है, जिसमें भवन निर्माण के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई है। इसमें बताए गए सिद्धांत प्रकृति में संतुलन बनाए रखते हैं। ये संतुलन पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश के माध्यम से बनाया जाता है। अगर आपके घर में इन चीज़ों का संतुलन सही नहीं है, तो इससे घर में वास्तु दोष होता है, जिसके परिणाम से घर में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें आर्थिक तंगी, पारिवारिक कलह, वैवाहिक जीवन में परेशानी बनी रहती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार उत्तर दिशा में कुछ विशेष तस्वीरों को लगाने पर आर्थिक तंगी से निजात मिल जाती है। ये तस्वीरें इस प्रकार हैं। 1, घर की उत्तर पूर्व दिशा में नदियों और झरने की तस्वीर लगाने से घर पर सकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है। यदि आपने घर में पूजा घर बना रखा है, तो शुभ फलों की प्राप्ति के लिए उसमें नियमित रूप से पूजा होनी चाहिए एवं दक्षिण पश्चिम की दिशा में निर्मित कमरे का प्रयोग पूजा अर्चना के लिए नहीं किया जाना चाहिए। 2, ऐसे में वास्तु कहता है कि अपने घर में माँ लक्ष्मी और कुबेर की प्रतिमा को शुभ स्थान पर जरूर रखें। इसके लिए वास्तु में घर की उत्तर दिशा शुभ होती है। धन प्राप्ति के लिए उत्तर दिशा वास्तुशास्त्र में अच्छी मानी गई है। 3, घर की दीवारों पर जहाँ सुंदर तस्वीरें लगाने पर घर की खूबसूरती बढ़ जाती है, वहीं यह धन दौलत में वृद्धि होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की दक्षिण और पूर्व दिशा की दीवारों में प्रकृति से जुड़ी चीज़ों की तस्वीर लगानी चाहिए। 4, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर पर हंसते हुए छोटे बच्चों की तस्वीर लगाने से घर पर हमेशा सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती रहती है। बच्चों की तस्वीरों को पूर्व और उत्तर दिशा में लगाना शुभ होता है।